हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव वर्मा। सो फ्रेंड, आज मैं लेकर आ गई हूँ अपने फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे। मेरी फ्रेंड भी है, मेरे सब्सक्राइबर भी है, मेरे व्यूवर भी हैं जिनका नाम है थैंगम। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी इसी हेयर स्टाइल की, जो कि हेयर स्टाइल हम करने वाले हैं एक कुछ बैंगल की हेल्प लेकर। तो मेरे लिए तो न्यू है, तो आप सबके लिए भी आई थिंक न्यू होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एंड उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल में सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं इसी हेयर स्टाइल को। इस हेयर स्टाइल को आप पार्टी फंक्शन कहीं भी आप कैरी कर सकते हो। ओके, सो फ्रेंड, यहाँ से हमें लेना है फर्स्ट जो फ्रंट का साइड होगा उस साइड से लेना है आपको हाफ पोर्शन करते हुए। यहाँ पर आप पॉप भी बना सकते हो या फिर सिंपली आप ले सकते हो, एंड इसे आपको एक पोनी टेल टाइप बना लेना है हाफ। एक रबर बैंड लेंगे, उसे हम सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए इस टाइप से टाइट से आपको पोनीटेल बनाना है। आगे के बाल लेने जस्ट बिल्कुल आपकी सेंटर पार्ट में, स्कैल्प के सेंटर में बिल्कुल हाई, लो नहीं रखना फ्रंट। ये देखिए उसे साइड कर देना है। नीचे के बालों को कॉम करके अच्छे से इसे टाई कर लेना है, क्योंकि हमें अभी इसका काम नहीं है, इसलिए ऐसे बन बना दीजिए। लेकिन नोट बना देंगे, इसके बाद हम इसे भी सिक्योर कर देंगे ताकि ओपन ना हो। अभी फ्रंट के जो हेयर है वैसे लेंगे हम, फ्रंट एक बैंगल लेंगे। बैंगल से आपको ले लेने हैं 7-8। फ्रेंड, आप यहाँ पे बैंगल जो आपके हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, जहाँ तक भी आपको लगाना हो। अब बस थोड़ा सा अपने नेक से नीचे तक लगाइएगा कॉम करके, इसके बाद हम बैंगल को सिक्योर करेंगे। फर्स्ट बैंगल आपको डालना है, उसके बाद आपको यू पिन से सिक्योर करना है इस टाइप से। सिक्योर कर देंगे तो निकलेगा नहीं। ये देखिए यहाँ पे 2 पिन लगा दीजिए आप। इसके बाद हम लेंगे सेकंड बैंगल, उसे ये देखिए हेयर के अंदर से डालना है, एंड उसे नीचे की तरफ लेके रखना है आपको। यदि दिन पहले ऊपर किया था तो ऊपर से नहीं होगा, लेकिन नीचे तरफ आप लगाएंगे। उसके बाद सेंटर पर दोनों बैंगल्स के सेंटर में आ जाएगा आपको, और उस सेंटर में से आपको हेयर को निकालना है। दोनों बैंगल का हाफ हाफ लेना है आपको। आप देखेंगे बीच में स्पेस आएगी, उस स्पेस में से आपको हेयर को निकाल देना है इस टाइप से, तो एक ब्यूटीफुल सा लुक आ जाएगा। ये देखिए आपने थर्ड बैंगल भी लगा लिया है, ये देखिए, और नीचे से निकाल दिया है। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा, फाइनल लुक जो होगा। आप प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको दिख पाएगा। देखिए नीचे से आपको जो सेंटर में नीचे से आपको पर्सन दिखेगी, उस पर्सन में से आपको निकाल देना हेयर को इस टाइप से। ये देखिए अब एक और बैंगल लेंगे। जो फ्रेंड बैंगल नीचे से डालना है आपको, नीचे से हेयर के नीचे से आप लेकर जाएंगे, तो आप दूसरे बैंगल के ऊपर थोड़ा सा रखेंगे तो उसमें से आपको नज़र आएगा पार्सन, उसमें से हेयर को निकाल देना है और फिर ऊपर से निकाल देना है। ये देखिए इस टाइप से, ये आपको अपने हेयर्स के सेंटर में रखना है चोटी को जो बन रही है आपकी बैंगल्स की। तो हम पूरे बैंगल्स को लगा लेते हैं जल्दी जल्दी से। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फास्ट किया फ्रेंड, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये देखिए नीचे से लगाया, एंड
जो दोनों के बीच में सेंटर में पार्ट आया उसमें से निकाला हेयर को एंड ऊपर से निकाल दिया उस बैंगल में से, लास्ट बैंगल से। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, बस एक दो बार देख कर आप लगाइए, लग जाएगा। देखिए ऐसे लगाते जाना है, इतनी लेंथ आपको चाहिए उतनी लेंथ तक। फुल लेंथ भी लगा सकती हो अगर हेयर आप ओपन रख रहे हो तो, लेकिन हम आपको दो तरीके से बताएंगे यहाँ पे। बस हमें यहाँ तक लगाना था, हमें लगा लिया है एंड नीचे के बालों को हमने ओपन करके इसे कॉम कर लेना है ताकि स्ट्रेट लुक आए। डिफरेंट कॉलेज गोइंग गर्ल्स या स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं उनके ऊपर ये हेयर स्टाइल बहुत ही क्यूट लगता है, बहुत ही सुंदर लुक आएगा उनके ऊपर। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा आप किसी भी पार्टी फंक्शन वगैरह में, बर्थडे पार्टी में। ये देखिए ऐसे कितना ब्यूटीफुल लुक आ रहा है, तो आप ऐसे ही ओपन हेयर्स में से करके छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम इसकी चोटी भी बना सकते हैं, तो चोटी भी आप देख लीजिएगा कैसे बनाना। तो ऐसे भी लुक काफ़ी ब्यूटीफुल आ रहा है, काफ़ी सुंदर आ रहा है। एंड फ्रेंड जो बैंगल से बीच का हेयर है उसे थोड़ा सा आप ओपन भी कर सकते हो, थोड़ा सा फ्लफी लुक दे सकते हो। दीदी अब थोड़ा बाद में करेंगे। देखिए अब जहाँ तक हमने बैंगल्स लगा लिए थे उसके बाद जो हेयर बचा था उसमें हम चोटी बना लेंगे ताकि जो हमारा हमारे हेयर्स हैं वो सिक्योर हो जाएं। तो चलिए जो लास्ट बैंगल था जहाँ को लगाया था वहाँ पे आपको यूपिन लगा देना ताकि वो ओपन ना हो। जी थोड़ा बाद में लगाएंगे यूपिन, आपको दिखेगा। तो फ्रेंड जो बैंगल वाला पार्ट है उस पार्ट को ऊपर रखना है और हमें थोड़ी सी उल्टी टाइप की चोटी बनानी है, मतलब सीधी चोटी तो नहीं बनेगी क्योंकि फिर वो नीचे आ जाएगा ऊपर वाला पार्ट। उस ऊपर वाले पार्ट को सीधा रखना है आपको और नीचे वाले पार्ट से जो साइड साइड के दो पार्ट होंगे उन्हें चोटी बना देनी है इस टाइप से। एंड लास्ट में आप हेयर बैंड लगा देना आपको, देखिए इसे कॉम कर देना अच्छे से। ये देखिए लुक इतना ब्यूटीफुल आ रहा है, तो नीचे से चोटी भी बना सकते हैं या फिर ओपन भी रख सकते हैं। ओपन लुक मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। या फिर से सेंटर में करके आपको सिक्योर कर देना है। यहाँ पर दीदी यूपिन लगा रही हैं लास्ट वाले बैंगल में, तो ऐसे ही आपको यूपिन लगा देना ताकि वो सिक्योर हो जाए, वो वाले बैंगल के यहाँ वहाँ ना भागे। देखिए इस टाइप से और इसे बैंगल के बीच जो हेयर से थोड़ा सा ओपन कर देंगे हल्का सा। ये देखिए इस टाइप से, ये देखिए क्लोजली आपको दिखा रहे हैं इस टाइप से आएगा लुक आपका। चोटी भी आपकी लॉन्ग नज़र आएगी इस तरीके से हेयर स्टाइल करने से एंड आपका जो हेयर स्टाइल है वो भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। गर्ल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन हाँ लेडीज़ भी कर सकती है, गर्ल्स को गर्ल्स एंड लेडीज़ दोनों कर सकती है, दोनों के ऊपर बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो आप छोटी छोटी बड़ी छोटे से लेकर बड़ी पार्टी तक आप कर सकते हो ट्रेंड इस हेयर स्टाइल से। सो फ्रेंड कैसा लगा मेरा हेयर स्टाइल प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड कोई और हेयर स्टाइल की आपकी रिक्वेस्ट तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।